नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 जून 2020, समय 9:02 हो रहे हैं, और 10 लॉट मैंने सेल किया हुआ है करेंसी को, USDINR को। 25 का प्रॉफिट चल रहा है यहां पर, जैसा कि आपके सामने चार्ट पे भी है। सेल का व्यू रहेगा करेंसी पे, मेरा व्यू हालांकि आज सेल का है, लेकिन चेंज भी हो सकता है। अभी शुरुआत के 5 मिनट के बाद व्यू चेंज हो सकता है। रिसेंटली चार्ट देख के मुझे सेल का व्यू लग रहा है। 5 मिनट के बाद देखूंगा सिनेरियो इसके क्या बनते हैं, तो फिर व्यू अपना मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जो स्टॉक्स मैंने दिए हुए हैं, 3 स्टॉक्स और 6 स्टॉक, वो सब स्टॉक्स मैं लगा लेता हूँ। 3 स्टॉक की लिस्ट में जो है ग्रासिम, उज्जीवन और बायोकॉन है, और उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। और कल आप लोगों ने 6 स्टॉक्स देखा होगा जो मैंने डाउट के लिए सेशन में ही अपने ग्रुप के लोगों से उनके हिसाब से लिया है, दिया है। उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन लोगों की एनालिसिस कितनी सही आ रही है, कितना गलत आ रहा है, सब चीज़ को यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सब मैं स्टॉक्स पहले लगा लेता हूँ। ये लग गए, 3 स्टॉक्स पहले मैंने लगा लिए हैं। फिर लाइव सेशन में ऑन होगा, तो फिर लाइव सेशन में ज्वाइन होंगे सारे लोग, वहाँ फिर हम लोग देखेंगे। अभी मार्केट 10,363 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100.15 ऊपर है, पॉजिटिव साइन है। 10,363 60 60 यहाँ के आसपास कहीं मार्केट आ रहा है। अभी देखते हैं कहाँ पे क्या लेवल ओपन होता है, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। स्टॉक ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ICICI बैंक। चलिए चेक करते हैं, यहाँ से ये खुलता है लेकिन वहाँ पे ऐड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। फायर्स ने कुछ अपडेट कर रहा है, फायर्स ने देख रहे हैं ना, वो साइड में कुछ अपडेट कर रहा है, उसका कुछ अपडेशन चल रहा है, इसलिए है ना, कुछ अपडेशन चल रहा है इसके वजह से। ICICI बैंक और ठीक है, सन फार्मा को भी चेक करेंगे। सन फार्मा वॉच लिस्ट शायद वो अपडेट कर रहा है, इस वजह से जो है वो कर रहा है। वेट करते हैं। टेक महिंद्रा, BPCL, इंडस्ट्रीज को बाय किया है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने बाय किया है तो ठीक है, अभी पहले मैं कुछ स्टॉक देख लूं। सब खुले हैं, जहां से वहीं से गिरा है, इसके वजह से थोड़ा सा कष्ट होगा। वेट करते हैं, चलिए वेट करते हैं। इसमें 150 क्वांटिटी को 654 के स्टॉप लॉस के साथ, 654 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, बहुत ही छोटा रिस्क है, ₹2 का रिस्क है हमारा। जस्ट डायल को बाय करना है 367 पे, ओके, ठीक है। देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। वो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको बाय कर लिया, जस्ट डायल, ओके सर, जस्ट डायल को 367 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। ठीक है सर, करिए बाय, बढ़िया जगह पे है, जस्ट डायल बाय कर सकते हैं, जस्ट डायल। ये वाला तो कैंडल हटाया ही नहीं, बड़ा लोचा इसका। जस्ट डायल बिल्कुल बाय साइड हो सकता है। गोदरेज कंज्यूमर मैंने ₹2 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने बाय किया हुआ है, छोटा सा स्टॉप लॉस। टारगेट देखिए 660 के आसपास का पहला आ सकता है ये रेजिस्टेंस जो है, उसके बाद ऊपर जाएगा तो अच्छा ब्रेक करेगा। वेट करेंगे, कट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल छोटा सा रिस्क है तो कोई टेंशन नहीं है मुझे।
367 पे जस्ट डायल बिल्कुल करिए सर, कोई टेंशन नहीं। गोदरेज में असल कट गया, छोटा सा रिस्क लिया था वो कट गया, 350 का लॉस बुक किया मैंने, है ना। और इधर यूएसडी आईएनआर में भी असल कट गया, दोनों असल कट गए, 1000 का हमें कितना हो गया, 949 रुपए का लॉस बुक कर लिया मैंने। कोई टेंशन नहीं है, कोई दूसरा मिलेगा तो किया जाएगा, लेकिन ये देखिए यहीं से ऊपर जाएगा जरूर। बाय साइड अभी सर ये है, साइडवेज है, देख रहे हैं ना, एक रेंज में है। बाय साइड 28 के ऊपर होगा, उसके पहले तो नहीं होगा। सेल करेंगे 22 के नीचे, 21 के नीचे सेल करेंगे, 21 के नीचे, 21 का नीचे ज्यादा चांस है, सेल का कुछ ज्यादा चांस है। इंडसइंड बैंक एशियन पेंट का जो हम लोगों का कल लेवल था, क्या लेवल था, इंडसइंड बैंक पे नजर रखिए सर, इंडसइंड बैंक पर। सोलह है ना, इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए। 22 यूएसडी एनआर को 76.21 के नीचे सेल करना है, ठीक है सर, 2398 जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाइए, आपका काम कुछ काम है तो निकल जाइए। वोल्टास फर्स्ट टारगेट डन, ओके सर। यूपीएल को एक बाय ऑर्डर लगाएंगे, यूपीएल में एक बाय ऑर्डर लगाऊंगा, 250 क्वांटिटी यूपीएल में बाय ऑर्डर लगाऊंगा और 443 रुपया 65 पैसा और 443 रुपया 55 पैसा पे बाय ऑर्डर लगाऊंगा यूपीएल में। और इसका जो रिस्क लूंगा, 3 पॉइंट का रिस्क लूंगा, 9 पॉइंट का टारगेट रखूंगा फिलहाल, 443 रुपया 55 पैसा। और ये मैंने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया है, चलिए देखते हैं इसमें हमारा ट्रिगर होता है कि नहीं यूपीएल में, वेट करेंगे। और इसको सेल करेंगे यूएसडी आईएनआर को, इसको सेल करेंगे, सेल के लेवल हैं, इसको मैं जो लॉस लिया है इसको मैंने सेल करना चाहूंगा 76.76। ये 21 के नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा है, 21 के नीचे क्लोज नहीं करता है ना, ये दिक्कत है, 21 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तो टेंशन हो जाएगा। भारती एयरटेल पर व्यू होगा, ओके सेल साइड, ठीक है सर, जब तक नहीं करे ना तो टेंशन है, वेट करते हैं जरा, है ना। सेल करना है यूएसडी आईएनआर को 21 के नीचे, तो सेल करने बोला है ना, चलिए कवर हो जाएगा लॉस, कोई टेंशन नहीं है। टारगेट ऑफ यूएसडी आईएनआर नीचे, बहुत नीचे जाने दीजिए, 76.16 के पास, 76.16 के पास टारगेट होगा। अच्छा दूसरा क्या है हमारा, यूपीएल में ऑर्डर ट्रिगर हुआ, अभी नहीं हुआ है, यूपीएल में एक ऑर्डर लगाया हुआ है, ट्रिगर हुआ नहीं है, माइन ट्रिगर टारगेट। सर ग्लेनमार्क खुले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ग्लेनमार्क खुलेगा सर्किट प्रॉफिट बुक कर लीजिए सीधा, कोई स्टॉप लॉस नहीं, सीधा प्रॉफिट बुक करिए। माइन ट्री का टारगेट क्या किया है माइन ट्री में, बाय साइड है ना, टारगेट 930, यूएसडी नीचे गया, टारगेट ऑफ यूएसडी ना, ठीक है बाय साइड के खुलने के बाद, बिल्कुल कॉन्कोर को देखना था ना, कॉन्कोर
बाय करिएगा कॉन्कोर को 415 के ऊपर। पीडी लाइट को 1412 के ऊपर बाय करना। ओके, पीडी लाइट 1412, तो बाय तो कर ही लिया आपने। बिल्कुल सही है, सही है, बने रहिए, बने रहिए पीडी लाइट में। बिल्कुल, मेरा यूपीएल ऑर्डर ट्रिगर हुआ अभी? नहीं हुआ है ना। भाग्या ना ऊपर 660 का टारगेट क्या था ना, मेरा एसएल काटने के बाद ही जाएगा। आप लोगों ने लिया था इस पे फिर से? मेरा एसएल काटने के बाद गया, ले लिया था ना। ओके ठीक है, 65 का टारगेट के लिए वेट करिए। 65 का टारगेट, 3 पॉइंट प्रॉफिट लिया, ठीक है। 65 का टारगेट मिल जाएगा, 64-65 का टारगेट। अभी देखिए यूपीएल मेरा हिट होता है या नहीं, यूपीएल पे वेट कर रहा हूँ। 496 के नीचे महिंद्रा को सेल करिए। 496 के नीचे महिंद्रा थोड़ा ठीक लग रहा है सेल साइड में। यूपीएल से ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, यूपीएल से ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ये अभी जा नहीं रहा है, बाद में देखेंगे। एमएनएम का स्टॉक देखता हूँ। फोर नाइन्टी सिक्स के नीचे सेल करूंगा। 200 क्वांटिटी 496, 495.8, 496, 3 और 6, और ये सेल कर दिया, सेल का ऑर्डर लगाया। और इधर यूएसडी आईएनआर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट लेवल है, नजर रखिएगा, ये सपोर्ट लेवल है यूएसडी आईएनआर का। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसने 23 के ऊपर, देखिए ऑर्डर एमएनएम में ट्रिगर हो गया, अगर इसने 23 के ऊपर, 23 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो निकल जाएंगे हम लोग यूएसडी आईएनआर से। 23 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दिया तो एमएनएम में ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है। सिक्स पॉइंट बुक कर लिया पीबीआर में, ठीक है सर। अगर ये 23 के 76.23 के ऊपर क्लोज कर देता है यूएसडी आईएनआर तो निकल जाएंगे बाय साइड, सेल साइड से हम लोग निकल जाएंगे। ग्रासिम का सेल ऑर्डर में आ गया, ग्रासिम सेल ऑर्डर में आ गया, सेल कर लीजिए। अभी तो मैं इसमें लिया हुआ हूँ, वेट करेंगे इसमें हम लोग। अभी मैं वेबेक्स को ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ वेबेक्स में अगर चलता है जूम का तो ठीक है, जूम के जैसा तो वेबेक्स ही यूज करूंगा, जूम को हटा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस नहीं दिख रहे। अच्छा, गोदरेज सीपी से बाहर है, ये प्रॉफिट बुक करके ठीक है। देखिए नीचे से अच्छा गया ऊपर है ना, 655 से 667, 10 पॉइंट मिल गए। हम लोग ने यूपीएल लिया हुआ है 200 क्वांटिटी, 68 का भी चल रहा है लॉस, कोई बात नहीं। सर कर सकते हैं, 5 पॉइंट के एसएल के साथ सेल करना है क्यों? भारतीय टेल हो गया ना आपका सेल, आपका ठीक है, इसका भी साउंड अच्छा बढ़िया, तो ए रिलायंस है ना, देखता हूँ बेबेक्स काम करता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। एक्चुअली जूम में फंक्शन बहुत है, नहीं अभी सेल नहीं करता है रिलायंस को, सेल नहीं करना है। देखिए गोदरेज 670 का हाई लगा दिया जबरदस्त, 671 का, बहुत बढ़िया। देखिए फिर कोई किन्नी की आवाज आने लग गई, ये गलत बात है।
आपका ऑफ है ललित जी वीडियो, कोई टेंशन नहीं है, मैं वेबएक्स को चेक कर लेता हूँ इसी बहाने। अभी तो यूपीएल ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। 428, क्या 428 सर? नवीन जी एक बार यूज टू हो जाएगा ये एक्सिस बैंक ना? हाँ ठीक है, 444 इसका पहला टारगेट होगा। और 444 के ऊपर अगर निकलेगा तो टारगेट होगा 449 का, ठीक है ना? फिर फाइनल टारगेट 449, फाइनल टारगेट 449 का होगा इसमें। भाई आप लोग अपने से म्यूट रहिए, कारण कि मैं अभी वेबएक्स से यूज कर रहा हूँ, नया नया ट्राई मार रहा हूँ। अगर इसको बार बार मुझे अभी पूरा चेक नहीं हुआ, जैसे जूम पर मेरा हाथ बैठा हुआ है ना, वेबएक्स पे अभी मेरा हाथ बैठा हुआ नहीं है। अपने से म्यूट रहिए सर, तो बहुत बड़ा मेहरबानी आप लोगों का। ठीक ही चल रहा है, आ जाएगा टारगेट 449 का फाइनल टारगेट होगा। मैं भी टाइप करूंगा, रुकिए मैं भी टाइप करूंगा, मैंने अभी तक टाइप नहीं किया है। हेलो दिस इज आरके ट्रेडिंग, देखिए मैंने भी टाइप किया पहली बार, देखिए तो मिला सबको भाई, जवाब दीजिएगा मिला? अब मिल गया, ओके ठीक। और इसका रिकॉर्डर भी है, ठीक है रिकॉर्डर है, रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहा, कहता है कि आपने ज्यादा ज्वाइन करा लिया है। देखें क्या बोलता है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, मोबाइल पे भी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया। आपने डाउनलोड कर लिया ऐप, डाउनलोड कर लिया इसका वेबएक्स का? हमारे राइट साइड आज टू कंट्रोल का ऑप्शन है, हाँ ओके। आज टू कंट्रोल तो आप पूछिएगा, कंट्रोल आप हमसे मांगिएगा, मैं आपको दूंगा तभी ना। अच्छा वो सब ऑप्शन है ना, ठीक है सर, ठीक है। इसका आज पूरा ऑपरेशन ही कर देंगे वेबएक्स का, ठहरिए। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:54:40 और USDNR के 32 लॉट को सेल किया हुआ है। सेल का ही व्यू था, अभी 600 का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन इसके पहले मैं ऑल पोजीशन दिखाना चाहूँगा। मैंने लॉस बुक किया, जो कि गोदरेज में आपके सामने लॉस बुक किया है, मैंने में भी लॉस बुक हुआ। UPL में 188 का लॉस है, लेकिन वो लॉस मेरा था नहीं, एक्चुअली मैंने बुक कर लिया, मैं उसको कट नहीं करना चाह रहा था, फिर भी मार्केट को देखते हुए मुझे कट करना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी करेंसी में बना हुआ, सेल का इस पे व्यू है, तो 500 के ओवरऑल लॉस में मैं बैठा हुआ, 500-600 के लॉस में हूँ। मुझे USDNR का जो लेवल नज़र आ रहा है वो 76.02 के आसपास में नज़र आ रहा है, लेकिन वो कब आएगा? जब वो 76.13 को ब्रेक करेगा, तब 76.13 को ब्रेक करेगा, तो एक बार वो 76.10 के पास आएगा, और उसके बाद 76.02 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल है, 32 लॉट में मैंने USDNR में ट्रेड किया, देखता हूँ कितना इसमें मुझे प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, 700 का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों 76.13 को ब्रेक करने की कोशिश पूरा तरीके से कर रहा है इसने, देखिए बस उसके ऊपर ये क्लोज नहीं करे तो ही मज़ा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देगा 76.13 के ऊपर, तो फिर मज़ा नहीं है। मज़ा मुझे उसके नीचे क्लोज होने में, अगर ये क्लोज करता है उसके नीचे। अभी देखिए 76.13 का चल रहा है प्राइस, 1350 का, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तब हमारे ये लेवल खुल जाएंगे। अभी ओवरऑल जो पोजीशन है 147 के लॉस में मैं बैठा हुआ, ओनली 147 के लॉस में, तो कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं है वैसा कुछ खास, और हो जाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेट करता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ। 1300 का प्रॉफिट चलता हुआ दोस्तों, 1308 का हो चुका है, समय हो रहा है 12:07:17 और 1388 का प्रॉफिट हो गया। इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यही लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 76.10 के पास आएगा पहले, और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे 76.02 तक आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग देखा जाए तो 6 के पास से बाउंस किया था, तो एक बार 6 को वो टेस्ट कर सकता है, उसके बाद 76.02। अभी हमारे पास फिलहाल ये लेवल निकल के आ रहे हैं, 76.02 मेरा फाइनल होगा, लेकिन उसके पहले ये सब लाइन जो है हमारे टारगेट है। वेट करता हूँ 1388 यानी 1400 के आसपास प्रॉफिट, जो लॉस हुआ था वो लॉस कवर होके प्रॉफिट में आ गया हूँ, आप तो देख ही रहे, सब आपके सामने में है। वेट करता हूँ रिजल्ट क्या आता है लास्ट में,
252 का प्रॉफिट 332, यानी कि अच्छे तरीके से तेजी से ब्रेक कर रहा है अब। और चलिए एक झटका लगे नीचे तो बहुत तेजी से जाएगा, लगा दो एक झटका, वेट करता हूँ, वेट करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अभी 1500 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, 1468 हो गया है और समय हो रहा है 12:12:46। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट। 1548 का प्रॉफिट, ओवरऑल जो लॉस काट के पोजीशन प्रॉफिट में वो 300 के आसपास का 412 हो गया। देखिए बहुत तेज फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो वेट करेंगे क्या ये मेरा टारगेट 76.06 के पास आ पाता है या 76.10 के पास से बाउंस हो सकता है, ये दोनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं। देखिए अभी 1700 के प्रॉफिट हो गए, ओवरऑल पोजीशन जो है 500 का प्रॉफिट में है और वेट करेंगे रिजल्ट क्या इसका आता है। अगर 76.06 भी आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर 76.02 आ गया तो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट होगा, दोनों ही कंडीशन में वेट करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा लेके निकल जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। 76.10 का जो टारगेट था दोस्तों वो डन हो गया, लो लगा लिया इसने 76.10.25 का, वो टारगेट डन हो गया। 1800 का प्रॉफिट चल रहा है, 1800 1900 का, 1948 का प्रॉफिट हो गया। अब इसको ब्रेक करेगा तो इस लाइन के पास इसको आना चाहिए, ओवरऑल जो पोजीशन है 800 के प्रॉफिट में मैं बैठा हुआ हूँ, तो वेट करेंगे क्या रिजल्ट इसका आता है अभी, और ये कितना नीचे जाता है इसका हम वेट करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। समय हो रहा है 12:16:17। फाइनली दोस्तों इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, 10 का जो लेवल था मेरा 76.10 का, इसने लो भी लगाया 76.10 का, 2100-2200 का लगभग प्रॉफिट चलता हुआ। ऑल पोजीशन देखेंगे तो 900 के प्रॉफिट में मैं आ चुका, 972 का प्रॉफिट चल रहा है। तो फिलहाल देखता हूँ अब इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो क्या इस लेवल के पास 76.06 के पास आ पाता है या नहीं आ पाता है, अभी हम लोग वेट करेंगे इसका, और इसके बाद फाइनल अगर होगा तो 76.02 तक भी आ सकता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय हो रहा है 12:20:15। देखिए 2300 का प्रॉफिट ब्रेक करके नीचे आ गया काफी, और ओवर पोजीशन 1200 के आसपास में आ गया मैं, तो जो लॉस थे सारे कवर हो गए और आराम से प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है, पेशेंस के साथ है। एक भी कैंडल ग्रीन इसने नहीं बनाया, सारा रेड कैंडल है ऊपर से, सेल का व्यू शुरू से ही था मेरा। अब देखिए 76.06 के पास इसको आना चाहिए, और अभी मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, फिर मैं कुछ क्वांटिटी को यहाँ से कुछ लॉट को मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, जैसे 32 लॉट है तो मैं कुछ लॉट को प्रॉफिट यहाँ से मैं बुक कर लूंगा, जैसे ये 3 लॉट मैंने बुक कर लिए है ना, ये 3 लॉट मैंने बुक कर लिया, ये फिर 5 लॉट को मैं बुक करने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद 5×3 8 हो गए 24 लॉट बचे, उसके बाद जो है एक और 5 लॉट बचेगा उसको भी इस 5 लॉट को, अगला 5 लॉट आ जाओ, इस 5 लॉट का भी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो ओवरऑल जो है 5×3 8 मैंने 12-15 लॉट मैंने बुकिंग के लिए रख दिए हैं, 2400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, बाकी का जो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने ला के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, अभी मेरा प्रॉफिट तो चल रहा है लगभग 1200 के प्रॉफिट में हूँ, तो ये ओवरऑल क्वान्टिटी बुक हो जाएगा 32 लॉट में से, कुछ क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए रख दिया। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 76.05 आ गया है, 1:24:25 समय देख लीजिए, और 76.05 का लेवल 1951 का प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। देखिए 76.02 इसके बाद इसको आना चाहिए, और UPL भी देखिए उसी लेवल के पास पहुंच गया वापस नीचे से ऊपर, खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ये देखिए अगर ये 76.02 ब्रेक करता है तो 75.95 या 76 के पास राउंड नंबर में आना चाहिए, मेरे ख्याल से आ जाएगा। और अभी 3200 के प्रॉफिट में बना हुआ ऑलरेडी, 2100 का नेट पोजीशन है मेरा, तो अब समय आ गया जब मैं जो 15 लॉट मेरे बचे हुए हैं उसका भी मैं स्टॉप लॉस या तो ट्रेल कर लूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ, देखता हूँ क्या होता है इस कैंडल के बाद, मैं फिर अपडेट करूँगा आप लोगों को। फिलहाल अभी मैं ट्रेल कर लेता हूँ, उस कैंडल को होल्ड किया काफ़ी दिनों देर तक, उसके बाद फिर नीचे आया, 76.02 मेरा टारगेट होगा, वहाँ तक उसको आना चाहिए, उसके नीचे भी जा सकता है 75.96 के पास में, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 76.02 ओवरऑल पोजीशन 2100 का चलिए बना हुआ हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फाइनली 76.02 का जो बताया था वो लेवल आ गया है,
लो लगाया। समय पहले आप देख लीजिए, 1:26:52 हो रहा है, 76.0275 का इसने लो लगाया है लगभग। और मेरा टारगेट 75 पॉइंट या 76 के आसपास का भी राउंड नंबर में हो सकता है। अगर मैं इसको 76.76 करूँ तो यहाँ भी हमारा लेवल हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उम्मीद करता हूँ इसको एक बार वो टेस्ट करेगा तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा और स्टॉप लॉस और नीचे करके 15 जो लॉट है मेरे और नीचे करके मैं रख दूंगा स्टॉप लॉस, ताकि कोई टेंशन नहीं हो। 75.9796 ये भी जाए तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट देख पा रहा हूँ, यहाँ से यहीं से बाउंस हुआ था पिछले बार, तो एक बार ये 76 को टच करने आ सकता है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट जो है 2200 का चल रहा है। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और स्टॉप लॉस को और नीचे ले आता हूँ, ताकि अब जो ये 75 पॉइंट का है अगर ये मूव भी करे वापस तो कोई टेंशन मुझे ना हो, 2000 के प्रॉफिट लॉक हो जाए मेरे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मिलूंगा आप लोगों से मैं स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में, और 75.97 का टारगेट हो सकता है। समय 1:27:52, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग दोस्तों बंद करता हूँ।